हाय दोस्तों, हम लोग का पास आ गया बजाज पल्सर 150 cc, ठीक है ना, BS4। तो आगे पीछे दोनों में डी से, तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता है। देखिए हम लोग कार्बेटर को ले किया, कार्बेटर से क्या निकलता है, देखिए पानी निकलता है, सीधा पानी लगता है। ये जो पल्सर बाइक है दोस्तों, पानी से चलता है, पेट्रोल से नहीं। तो बोलता है गाड़ी में 1 लीटर तेल भी है यार, स्टार भी नहीं होता है। हम बोला अच्छा देखना होगा, तब पाइप खुले तो पानी निकल गया। हम लोग टैंक कैंक खुलना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा का आसपास टाइम लगेगा। बोले तब एक काम करो, सर्विस कर दो, फुल सर्विस कर दो, ठीक है। तो खुले हम लोग, पीछे वाला चक्का आगे वाला चक्का दोनों ग्रीस होगा, और फिर फिल्टर तो होगा यार, कार्बेटर तो खुलना ही पड़ेगा। देखे ये सब किया, निकल गया पानी दोस्तों, पानी निकल गया तो थोड़े ना स्टार होगा। तो हम लोग टैंक भी वॉश करेंगे, कार्बेटर खुला खुलते, ठीक है ना। तो खुल लिया, देखे सब पहले गिरा दिया हम लोग पानी, खुद तो दोस्तों कार्बेटर अच्छा से वॉश कर लेते। दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी करें। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग कार्बेटर फिट कर लेते हैं, कार्बेटर। तो दोस्तों वो जो कार्बेटर है वो थोड़ा लगाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो टाइम लगता है, कम से कम 5 मिनट मेहनत करना पड़ेगा इसको। चलो इसमें हम लोग डालते बाजाज का इंजन ऑयल, तो दोस्तों बजाज का इंजन ऑयल लगेगा। तो दोस्तों 410 रुपये का MRP है, तो अभी बहुत मिला, यहाँ तो 430 रुपये लिखा हुआ है। दोस्तों हम हमेशा नहीं रहते, कभी कभी क्या होता है, किसान वन चलाते हैं पार्ट्स लाने के लिए, तो जो दुकान में जो मेरा आदमी लोग रखते हैं काम करता है, उन लोग को मालूम नहीं होता डाल के कितना लेंगे। तो दोस्तों ये जेन्युइन इंजन ऑयल लगेगा, इसमें चारों थोड़ा चारों जैसा मांगते तो नहीं देता, तो 20 रुपये हम लोग ज़्यादा लेते डाल देंगे। जेन्युइन इंजन तो देना ही पड़ेगा ना, अगर चार्ज नहीं लेंगे दोस्तों तो नहीं पूछाएगा चार्ज नहीं। इसलिए जैसा सर्विस का टाइम है तो 410 रुपये लेंगे, सिर्फ अगर इंजन ऑयल चेंज करना आएगा तो 430 रुपये ही पड़ेगा उसका। तो दोस्तों देखिए क्या निकल गया टैंक से, ये पेट्रोल हो गया, तो बोलता है 1 लीटर के आसपास पेट्रोल है। तो दोस्तों ये प्योर पानी हो गया, कोई इसमें खराबी नहीं, एकदम प्योर पानी, तो अच्छा से हवा मारती इसको। तो दोस्तों देखे पानी सब यहाँ पे गिराते, देखे कोई शक नहीं, एकदम बिल्कुल प्योर पानी हो गया, लगते है महानंदर का नदी का पानी ऐसा। बोलता है 1 लीटर का आसपास है पेट्रोल, ये सब पेट्रोल नहीं था दोस्तों, पानी देख के उन्होंने बोला था जिनका बाइक है, ये पेट्रोल होगा 1 लीटर का आसपास, 1 लीटर का आसपास पेट्रोल तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल पानी है। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या करेंगे, टैंक में हवा मारेंगे, ठीक है ना, गलौल से हवा मारेंगे ताकि थोड़ा वो जो भी पानी है बिल्कुल सूख जाए जल्दी। तो दोस्तों गलौल से हवा मारते हैं, तो हवा मारने से क्या होता है दोस्तों, जल्दी सूख जाएगा, जो भी हल्का फल्का रहेगा इसमें गर्म हवा मारता है, गर्म हवा मारता है बहुत ही, ऊपर से भी मारते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत है ना सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग टैंक लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पेट्रोल का वायर भी लगाना पड़ेगा, इसमें गया जो टैंक का एयर का पाइप है, एक कनेस्टर का पाइप है, वो भी लगाना होगा। सीट का नीचे में एक बक्सा का तरह रहता है BS4 में कनेस्टर, तो दोस्तों फटाफट से हम लोग साइड पैनल सीट फंसा लेते हैं। फिर इसमें तो पेट्रोल है ही नहीं, जिनका बाइक है उन्होंने अभी है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 ग्राम 100 ग्राम अपना वाला स्प्लेंडर से पेट्रोल निकालेंगे और स्टार करेंगे, ठीक है ना, कार्बेटर में सीधा कार्बेटर में डालेंगे और सिर्फ स्टार करके छोड़ देंगे हम लोग। इसका फुल सर्विस भी हो गया और टैंक का जो प्रॉब्लम था वो पेट्रोल का जगह में पानी था वो बिल्कुल वॉश हो गया। तो दोस्तों हम लोग पेट्रोल घुसा रहे कार्बेटर में अभी, ठीक है ना, स्टार करना है हम लोग को थोड़ा सा।
तो जैसा पेट्रोल फुल हो जाएगा कार्बेटर में तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मारते सेल्फ, तो दोस्तों बिल्कुल टर्न से देखिए पिकअप बिल्कुल टर्न से बिल्कुल सक्सेस हुआ। स्टीयरिंग में और कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बेटर में पेट्रोल का जगह में पानी, तो कैसे होगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।